अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इश्मे 24 के साथ मैं हूं शोको साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ यकम जनवरी को एहतजाज होगा, गुपकार इत्तेहाद। तिजारती मरकज लाल चौक में यौम फेरन मनाया गया। चले कलान की आमद 23 और 24 दिसंबर को बर्फ और बारा की पेशगोई। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज जम्मू में यूनिफाइड कमांड की मीटिंग मुनाकद हुई। खबर रसा इदारे UNI ने जराए का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मजमू सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन कानून और दीगर अवामी मफाद के मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक मुकम्मल जानकारी दी गई। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामिया ने आज हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को जम्मू कश्मीर के लिए तफरुका अंगेज करार दिया और ऐलान किया कि 1 जनवरी को कमीशन की तजवीज़ के खिलाफ श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। कमीशन की सिफारिशात के एक रोज़ बाद जम्मू में मस्कुरा इत्तेहाद की एक मीटिंग डॉक्टर फरक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक़द हुई, जिसमें PDP सदर महबूबा मुफ्ती और इत्तेहाद के तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने शिरकत की। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने डॉक्टर फरक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ऐलान किया कि जो भी तरीक़ेकार गैर आइनी और गैर कानूनी होगा वो न तो मंजूर है और ना होगा, लिहाजा 1 जनवरी को श्रीनगर में सुबह 11 बजे पूरा एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हम में से कई पार्टियों ने, कई सरकर्दा शख्सियतों ने चैलेंज किया है इन तमाम गैर जमहूरी गैर आइनी फैसलों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ और हमारी नज़र में चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में है, हमने चैलेंज किया है। सरकार को चाहिए था कि वो इंतज़ार कर लेते। ऐसे मामलात में जल्दबाजी से काम लेना न कौमी मुफाद के हक में है, न ही जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में है। बहरहाल जो अब सिफारिशात सामने आई है, हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है डीलिमिटेशन के लिए भी और जिसमें सेंसस ही एक बुनियाद बन सकती है आबादी, उसको इग्नोर किया गया। हमने बार बार ये दोहराया, डॉक्टर साहब की कयादत में एक बार तरमीम भी हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया गया था लेकिन माना नहीं, कि भाई डीलिमिटेशन के लिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जब सेंसस हो उसके मुताबिक डीलिमिटेशन यहां भी हो। एक तरफ BJP की सरकार कहती है कि हम मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, दूसरी तरफ जल्दबाजी से अलग थलग रहकर कई मामलात में काम कर रही है जिससे नुकसान होगा कौमी वहदत को भी और अवाम के ख्वाहिशात को भी जख्म पहुंचेगा। हमें अफसोस ये है, क्या आज भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी कायदे जाबिते हैं क्या वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नहीं है? क्या यहां सब कुछ मुअत्तल किया गया है? ये हमारा सवाल है पूरे मुल्क से, मुल्क के रहनुमाओं से, सिविल सोसाइटी से। 2011 का सेंसस क्या बताता है? हम और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि भाई आबादी को मद्देनजर रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है तो कुछ कायदा होना चाहिए, कुछ जाबिता होना चाहिए। और जहां तक हमारे
रहनुमा डॉक्टर साहब मसूदी साहब एज पार्लियामेंट मेंबर वहां गए, इन्होंने यही बात दोहराई वहां, और इनका ये मानना है कि हमने जोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर खास तौर पर रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है, कम्युनिटीज के अंदर जो पहले ही शक शुबात है उनको बढ़ाने की गरज से है, और सीधा जो एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर मुल्क में भी और यहां जम्मू कश्मीर में भी कि लोगों को तकसीम करो, बांटो, और यही कुछ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस बहरानी कैफियत और ज्यादा डीपन हो जाएगी। दूरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरिया और दिल की दूरिया कम करना, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरिया भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। जहां तक पीएजीडी का ताल्लुक है, हम तरफदार नहीं है एक खिते के, एक कम्युनिटी के, हम तरफदार है जम्मू कश्मीर लद्दाख के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, सब रीजन के, और हम किसी भी ढंग से कोई भी तरीकेकार जो गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, जो जम्मू कश्मीर के जनता में दरार पैदा करेगा, हमें मंजूर न पहले था, न आइंदा, न आज मंजूर रहेगा। हम अमन चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, न किसी इदारे से, न सरकार से, लेकिन अवाम के लेजिटिमेट राइट्स के डिफेंस में हम पुरान आवाज उठाते रहेंगे हर शक्ल में, और इसी वजह से हमारा ये मुत्तफिका फैसला है कि हम श्रीनगर में 1 जनवरी 11 बजे एक एहतजाज, पुरामन पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रपोजल्स पुट फॉरवर्ड बाय डिलिमिटेशन कमीशन। इधर इत्तेहाद की मीटिंग के बाद जम्मू में नामनिगारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामान हसनैन मसूदी का कहना है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने सिफारिशात के खिलाफ अपने उजरात पेश करने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस पर काम करके तमाम एतराजात, अपने मौकफ और दस्तावेजात को जमा करके कमीशन के सामने पेश करेंगे। नई सियासी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने आज बांडीपुरा में पार्टी के पहले अवामी जलसे का इनेकाद किया। यह अवामी जलसा पार्टी की जानब से शुरू की गई 1 बूथ 10 यूथ मुहिम के तहत मुनक़द किया गया। इस मौके पर दर्जनों सियासी कारकुनों ने नई सियासी पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की। पार्टी के बानी सदर शेख मुजफ्फर ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में साफ और शफाफ इंतजाम के एजेंडे के तहत आगे बढ़ेगी। आइए आप इस खबर पर नजर डालते हैं। हुकूमत और महकमा बिजली के मुलाजमीन के दरमियान गुज़िश्ता शब कामयाब मुज़ाकरात होने के बाद मुलाजमीन ने गैर मुइना हड़ताल ख़त्म कर दी और दोबारा काम पर लौट आए। श्रीनगर में मुलाजमीन ने कामयाब मुज़ाकरात पर जीत का जश्न भी मनाया। लोगों का शुक्रिया करता हूँ, खासकर जिसमें ईजैक है, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है, हमारे बाकी इंजीनियर साहबान की एसोसिएशन है, जॉइंट एक्शन कमिटीज़ है, ईजैक फोरम है जिसे फयाज शबनम साहब जो कि हमारे बिल्कुल साथ साथ रहे, बाकी जो भी एसोसिएशंस और जो भी फोरम्स जिन्होंने हमें इस हमारी जुदोजहद में हमारा साथ दिया, हमारी जो कॉल है उसका साथ दिया, खास तौर पे जो हमारे शैलेंद्र दुबे साहब है जो हमारे ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन भी है, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि हिंदुस्तान के 20 स्टेट्स की तरफ से
अपना सपोर्ट हमें एक्सटेंड करवाया। मैं उन सारे स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन खसूसन शैलेंद्र दुबे साहब का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, और इस आपकी वजह से जो जर्नलिस्ट साहब जिन बिल्कुल तीन दिन हमारे साथ रहे, आपका भी शुक्रिया करता हूँ जिनने हमें भरपूर कवरेज दी इस सारे मुजाहरे में। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिविल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर सामून ने आज गवर्नमेंट जनाना पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर में नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज के सालाना रिसाला द स्पार्क की भी रस्म रोनमाई अंजाम दी। मुनक़दा तकरीब के दौरान कल्चरल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। हम स्कॉलरशिप के लिए कुछ कर रहे हैं, इनका स्कीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको मालूम है ICT की तरफ से हमें जो भी लड़कियां एडमिशन लेती हैं जिनकी इनकम फैमिली इनकम 8 लाख तक है उन सबको स्कॉलरशिप मिलेगा 50,000 पर ईयर। अगर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा है, डिसेबल्ड बच्चा है, उसको भी मिलेगा। तो लड़कों के लिए हम स्कीम बना रहे हैं कि लड़के भी जो हों मुस्तहिक BPL फैमिली से उनको भी स्कॉलरशिप मिले। अभी वो प्रोसेसिंग अप्रूवल स्टेज पे है, लेकिन मकसद ये नहीं कि खाली स्कॉलरशिप मिले, मकसद ये है क्वालिटी एजुकेशन मिले। हम लोग डिप्लोमा देते हैं जॉब के साथ, आप देते हैं डिग्री विदाउट जॉब, आप देते हैं मास्टर्स डिग्री नो जॉब, हम देते हैं डिप्लोमा विद जॉब, आप देते हैं PhD विदाउट जॉब, हम देते हैं डिप्लोमा विद जॉब, या ITI में सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल के या 2 साल के विद जॉब। और जो आउटसाइड द स्कूलिंग सिस्टम भी हैं उनको भी आज तक 3 लाख बच्चों को हमने जम्मू कश्मीर UT के अंदर सैराब के बाद 2014 के बाद ट्रेन किया है। 75% सेंट्रल मिशन में किया है थ्रू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 25% स्टेट मिशन के थ्रू। स्टेट मिशन ने भी 20-25,000 ट्रेन किए हैं, और इस साल हमने कोविड वॉरियर्स के लिए भी 10-15,000 बच्चों का टारगेट लिया है। वो अभी ट्रेनिंग चल रही है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में पैरामेडिकल जो काउंसिल है, पैरामेडिकल जो कॉलेजेस हैं और मिशन है हेल्थ का, उनको साथ लेके हम ये ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तीन महीने की ट्रेनिंग, 3-4 हफ्ते की पहले छोरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल 3 महीने की। तो इस तरह से हम, मेरा कहने का मतलब ये है, अब स्किल का ज़माना है, डिग्री की जगह स्किल का ज़माना है, कुछ ना कुछ स्किल हम दे रहे हैं। और एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है नई, उसमें भी ये बताया गया बच्चे को स्किल दीजिए। हम लोग मैट्रिक के बाद ही बच्चा लेते हैं, और सबसे कम नंबर वाला बच्चा उसका 30-35% भी नंबर है हम ले लेते हैं, उस बच्चे को ग्रूम करते हैं और उसको एक स्किल वर्कर बनाते हैं, चाहे वो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड्स हो, ITI में प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मेसन हो, कारपेंटर हो। और उसमें भी बहुत डिमांड है, हमारे पास 4 लाख कारीगर बाहर से आते हैं इस सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में। पेंटर की शॉर्टेज है, प्लम्बर की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिशियन की शॉर्टेज है, और ये जो टाइले लगाते हैं, जो पेंट करते हैं, इन सब की हमारी कोई 17 सेंट्रल स्किल काउंसिल्स हैं दिल्ली में, उनसे हमारे रब्ता हुआ है, उनको भी हमने कहा पायलट शुरू करें। बेसिकली इंडिया हैज़ टू डेवलप ए ह्यूज स्किल फोर्स इन 21st सेंचुरी, एंड J&K UT शुड नॉट बी लेकिंग बिहाइंड। हम भी इस बारे में फोकस में से काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे वॉलंटरी काम के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसे यहाँ बिजली हड़ताल हुई थी, वहाँ पे भी हमारे इलेक्ट्रिक फाइनल ईयर के बच्चे सारे तैयार हो गए, हमने ऑर्डर्स निकाले, शायद अब स्ट्राइक कॉल अप हुई है, बट वी आर ऑलवेज रेडी अलॉन्ग विद आवर इंस्ट्रक्टर्स। तो हम चाहते हैं कि हम समाज की खिदमत भी ये करें और समाज के यूजफुल मेम्बर्स बने और अपने लिए भी कमाई करें। मेरा टारगेट ये है कि कम से कम हमारा ITI का बच्चा दिन में 1,000 रुपये तो कमाना चाहिए, महीने के 30,000, 3-4 लाख साल के, एक तो फैमिली को सपोर्ट करेगा। जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक फेडरेशन और दूसरे कई सामाजिक कारकुनों ने आज सर्दियों के बादशाह 40 रोज़ा चले ऐलान के पहले दिन तिजारती मरकज लाल चौक में तारीखी घंटाघर के सामने जमा होकर योम फेरन मनाया। फेरन कश्मीरियों का एक रिवायती लिबास है जिसको मौसम सरमा खास तौर पर चले ऐलान की ठिठरती सर्दियों का मुकाबला करने के लिए पहना जाता है। यह फेरन मनाने वालों का कहना है कि फेरन कश्मीर का एक लिबास ही नहीं बल्कि यहाँ की तहजीब तमदन और सकाफत का भी एक अहम हिस्सा है। अपने फेरन अपनी कांगड़ी से या कंग होता था, या मनन जिसे हम कहते थे, वो होता था, उससे हम लोग सर्वाइव करते थे ये विंटर्स में। अब जो है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत आगे बढ़ रही है, हमें एक्सेप्टेंस जो है अपने अंदर लानी चाहिए, मॉडर्निटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा बेसिक सर्वाइवल जो सामान है, हमारे पास साधन है जो बेसिक सर्वाइवल के, उनको भूलना नहीं चाहिए। अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, अपने पेरेंट को जिंदा रखना चाहिए। आखिर पर मौसम सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में सर्दियों के बादशाह 40 रोज़ा चले ऐलान की आमद का इस्तकबाल शबाना दर्ज हरारत में
बेहतरी वाक़ होने से हुआ। गर्माई दारकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत मनफी 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यहाँ गुज़त शब का कम से कम दर्जा हरारत मनफी 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में रवा मौसम की सर्दतरीन रात 18 दिसंबर को दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जा हरारत मनफी 6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। इस दौरान आज भी दिन भर मौसम खुश्क रहा, जबकि दिन भर हल्की धूप के जलवे भी देखने को मिले। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं के जेर असर वादी कश्मीर में 23 और 24 दिसंबर को कहीं कहीं बारिशें और हल्के दर्जे की बर्फबारी का भी इम्कान है। इसी के साथ एशमी 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ashmi.in और www.urdu.ashmi.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपनों और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।